Hello, my dear student of standard 10th, welcome to you once again in the third chapter, and this time I am going to cover the chapter into four parts, and this is the part one. The name of the chapter is Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. So in this chapter we are going to see our rich cultural heritage, and this time we are going to cover sculpture and architecture work. Okay, so before that I would like to share you something. See, there is something, a beautiful scenery is given to you. It might be lake, it might be river also. You can see a lot of greenery out there. You can see it might be either sunrise or sunshine. But ये चीज़ देख के हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स फील होता है, होता है ना? जब भी हम लोग नेचर के कॉन्टेक्ट में जाते हैं हम रिलैक्स ही हो जाते हैं. बट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एंड दैट इज रिटन समथिंग बाई ट्रेड ट्रू ब्लड. एंड सो लेट्स बिगिन. द साइलेंस ऑफ नेचर इज वेरी रियल. ओके, इट सराउंड्स यू, यू कैन फील इट. तो जो कुदरत की जो शांति होती है वो आपको सराउंड करती है, और वो शांति कहीं ना कहीं आपके दिल एंड दिमाग में भी आ जाती है. बेसिकली हम लोग अपनी लाइफ में बहुत परेशान रहते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टूडेंट लाइफ, उनको होमवर्क करने हैं, उनको असाइनमेंट पूरे करने हैं, उनको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है. सेम वे लोगों को बिजनेस करने होते हैं, बिजनेस के काम में इधर उधर भागते रहते हैं, पूरा दिन ऑफिस में निकल जाता है, तो माइंड कभी रिलैक्स हो ही नहीं पाता है. बट वैन कम टू कॉन्टैक्ट विद द नेचर, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है. एंड आई होप कि सब लोग एटलीस्ट 6 मंथ्स में वन टाइम कहीं बाहर जाएँ नेचर में, ओके, अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए. ओके, सो दिस इज योर चैप्टर, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. सो लेट अस स्टार्ट. इंडिया इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज. तो इंडिया तो वर्ल्ड फेमस है ही. द आर्ट ऑफ द स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर हैज ब्रॉट अ यूनिक आइडेंटिटी टू इंडिया. तो इंडिया का जो आर्ट है, इंडिया का जो कल्चर है, वो इंडिया को पूरी दुनिया में एक यूनिक कंट्री बनाता है. टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस कल्चर ऑफ एंशंट इंडिया वॉज ग्रेटर देन कंटेम्प्ररी टाउन प्लानिंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज ए रिमार्केबल. सो हमारी जो टाउन प्लानिंग है, हमने जो मतलब सिविलाइजेशन में हमने जो घर बनाए थे, वो आज तक मतलब पूरी दुनिया में अनमैचेबल है. मीन्स कोई भी कंट्री अपने ऊपर इतना प्राउड फील नहीं कर सकता कि हमारे फोर फादर्स ने इतनी अच्छी सिविलाइजेशन बसाई थी. स्कल्पचर मीन्स टू कार्व द फीलिंग ऑफ वन स्टोन्स एंड वुड और ऑन मेटल विद अ हैमर एंड चिजल. सिर्फ स्कल्पचर का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि आप कुछ इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, जैसे कि नेल होती है, और उसको हथौड़े से लेके, या तो आप कोई स्टोन पे पिक्चर शेप कर रहे हो, पिक्चर बना रहे हो, या आप वुड पे भी कर सकते हो, डिपेंड्स. नाउ स्कल्पचर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ऊपर बता दिया गया था, तो भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. द आर्ट ऑफ द शेपिंग फिगर्स और डिजाइन विद अ फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड और इन द रिलीफ प्रोफेशनल परफॉर्म्ड बाय अ स्कल्पचर विद द हेल्प ऑफ द चीजल एंड हैमर इज नोन एज अ स्कल्पचर. फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज कॉल्ड चीजल एंड हैमर. सो हथौड़ी और वो उनकी एक स्पेशल नेल आती है, जिससे वो लोग क्या करते हैं, या तो स्टोन्स पे या फिर वुड पे वो लोग है ना कुछ डिजाइंस और फिगर्स बनाते हैं. ओके, अभी हम लोग चैप्टर में आगे देखेंगे कैसे डिजाइंस बनती हैं. एंड इसके अलावा ये लोग बहुत ही प्रोफेशनली ट्रेन लोग होते हैं. आप लोगों ने देखा होगा नवरात्रि के टाइम पे, जब नॉट नवरात्रि, गणेश चतुर्थी के टाइम पे आप लोगों ने देखा है कि यूजुअली ये लोग गणपति को बनाते हैं आउट ऑफ अ स्टोन. ओके, तो उनका थोड़ा आर्टिस्टिक फॉर्म अलग होता है, बट देट इज हाउ दे आर डूइंग इट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर. नाउ सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो वॉट डज आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. अब किसी चीज़ को कैसे बनाते हो, ओके, सो उसको हम लोग आर्किटेक्चर कहेंगे. बिल्डिंग 100 लोग बनाते हैं, लेकिन एक पर्सन की बिल्डिंग है ना पूरी वर्ल्ड फेमस है. क्यों? क्योंकि उसके बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए उनको आर्टिस्ट कहते हैं. द वर्ड वास्तु, ओके, ये जो वर्ड है वास्तु इज यूज फॉर आर्किटेक्चर इन द संस्कृत लैंग्वेज, एंड इट इज़ वेरी रिनाउंड.
बेसिकली वास्तु वर्ड, संस्कृत वर्ड जो है ये हम लोग आर्ट के लिए यूज़ करते हैं। इन दिस रेफरेंस द आर्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग हाउसेज टाउन वेल फोर्ट मीनारे टेम्पल मॉस्क एंड टॉम इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। ये भी सही है, ये अगर आप ये इतना डेफिनेशन रखते हो, से फॉर एग्जाम्पल आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग हाउसेज, और ये जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं टाउन वेल, तो ये सब हम लोग आर्किटेक्चर के अंदर इंक्लूड करते हैं। स्किल्स ऑफ द आर्ट इज सीन इन द आर्ट ऑफ हिज आर्किटेक्चर। कोई भी कलाकार कितना स्किल्ड है, कितना पावरफुल है, वो हमको उसकी आर्ट स्टाइल में दिखी जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एंशंट इंडियन टाउन प्लानिंग। ओके सो लेट्स गो। ओके नाउ यू कैन सी इंडिया हैज़ एक्वायर एक्सपर्टिज्म इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग। सो इंडिया का तो ऑलरेडी इसमें एक्सपर्टिज्म है ही। मैनी सच टाउन्स हैव बीन फाउंड आउट ड्यूरिंग द आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन वर्क। तो ऐसे बहुत सारे आर्कोलॉजिकल, जमीन में जब हमने खुदाई की, आर्कोलॉजिस्ट लोग जो जमीन में खुदाई करते हैं उसको आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन वर्क बोलते हैं। एंड द टाउन इज डिवाइडेड इन टू 3 सेक्शन। तो ये नॉर्मली अपने पूरे टाउन को 3 भागों में डिवाइड करते थे। फोर्ट्स ऑफ द रूलर, जहाँ पे राजा महाराजा एंड उनका शाही परिवार रहता था, सिटाडेल। नंबर 2 हाउसेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। और जो राजा के मिनिस्टर्स होते थे, जो उनके स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे, वो सभी लोग एक हाई एरिया पे रहते थे। एंड थर्ड रेजिडेंस ऑफ द कॉमन पीपल सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन। तो जैसे हम आप जैसे कॉमन लोग वहाँ पर रहा करते थे। फोर्थ ऑफ द रूलर वे कंस्ट्रक्टेड इन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। ओके अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड विद द वॉल्स हैविंग 2 to 5 रूम्स। सो अपर जो पार्ट था वहाँ पे राजा और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहते थे। एंड ये लोगों के जो घर होते थे इसमें 2 to 5 डिपेंड करता है कितने, बट इतने रूम्स हुआ करते थे। हाउसेज ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन आर मेनली कंस्ट्रक्टेड विद द हैंडमेड ब्रिक्स। नाउ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड मैनी मोर ब्यूटिफुल सिस्टमेटिक टाउन देन मैनी अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। अमोंग ऑल ऑफ देम हरप्पा एंड मोहनजोदारो हैड द बेस्ट टाउन प्लानिंग। सो आज की डेट में हरप्पा एंड मोहनजोदारो को सबसे बेस्ट टाउन प्लानिंग माना जाता है। अगर इंडिया की अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडिया की सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले यू कैन सी टू माई इमेज, आपको एक कुछ पैटर्न दिख रहा है। ये ऊपर से लिया गया शॉट है एंड इसमें आपको अलग अलग पैटर्न दिखते हैं। ये सब कुछ ज़मीन के अंदर दब चुका है और जब ज़मीन में से हमने खोदना शुरू किया तो हमको एक पूरा टाउन मिला। नाउ दिस इज टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदारो। ओके कितना सिस्टमेटिकली इन लोगों ने सब बनाया हुआ था और क्या क्या किया था, लेट्स सी। इन 1922 आर्कोलॉजिकल नेम्ड रखनदास बैनर्जी एंड दयाराम सहनी फाउंड आउट द रिमेन्स ऑफ द ह्यूज टाउन प्लानिंग ड्यूरिंग द एक्सकवेशन वर्क विच वॉज कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल एंड डॉक्टर कर्नल मैके इन लारखन डिस्ट्रिक्ट नाउ इन पाकिस्तान ऑफ मोहनजोदारो। एंड मोहनजोदारो मीन्स हीप ऑफ द डेड। ओके सो यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि मोहनजोदारो जो सिविलाइजेशन थी इसकी जो खोज की गई थी आई थिंक आज से 100 years पहले की गई थी 1922। एंड ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे कर्नल मैके और सर जॉन मार्शल, इनके अंडर में राखनदास बैनर्जी एंड श्यामल दयाराम सहनी इन लोगों ने एक्सकवेशन वर्क शुरू किया। एंड ये कहाँ पे कैरिड आउट किया गया, लारखन डिस्ट्रिक्ट जो भी पहले तो इंडिया का पार्ट हुआ करता था लेकिन नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान। एंड यहाँ पे हम लोगों ने मोहनजोदारो सिविलाइजेशन फाउंड आउट की। मोहनजोदारो का मतलब होता है हीप ऑफ डेड, मुर्दों का घर। ओके नाउ इसकी कुछ खास बातें थी, मीन्स हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, पहले तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टाउन, मीन्स एक टाउन को कैसे प्लान किया जाता है। आज भी हमारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपालिटी जो होती हैं वो बहुत प्लानिंग से काम करती हैं और जब बरसात आती है तो हमको उनकी प्लानिंग सब दिख जाती है, कितनी अच्छी सी प्लानिंग की हुई है। एनी हाउ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट द ऑफिसर्स शुड टेक सच थिंग इन देयर माइंड। ठीक है आई थिंक बचपन में उन लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में शायद पढ़ा नहीं होगा। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द टाउन प्लानिंग मोहनजोदारो इज द बेस्ट। सो मोहनजोदारो को टाउन प्लानिंग के हिसाब से सबसे बेस्ट माना गया है। हाउसेज वेयर बिल्ट ऑन द हाई प्लेट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड एंड डैम्पनेस। सो
जमीन में जो गीलापन होता है उससे बचाने के लिए और फ्लड से फ्लड वाली सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए घर जो है वो ऊंचाई पर ही बनाए जाते थे। हाई फ्लीट का मतलब होता है एट अन हाइट। द हाउसेज ऑफ द रिच पीपल वेयर डबल स्टोरेड हैविंग 5 to 7 रूम्स। ओके सो अमीर लोगों के ज़्यादा रूम्स होते थे। एंड वाइल दोज हु आर पुअर पीपल वेयर सिंगल स्टोरेड हैविंग 2 to 3 रूम्स। वाओ मतलब गरीब लोगों के भी 2 से 3 रूम हुआ करते थे। गुड समथिंग वेरी साउंड्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर गरीब लोगों के 2 से 3 रूम्स हैं तो आई थिंक आज की डेट में जो गरीब जो रियल में जो गरीब हैं उनकी तो मतलब उनके पास तो घर भी नहीं है। तो आई थिंक उस टाइम के पुअर लोग भी आज के पुअर लोगों से आज के रिच लोगों से भी अच्छी लाइफ जीते होंगे मे बी। द टाउन्स वेयर फोर्टिफाइड, पूरे टाउन के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना देते थे, किलेबंदी जिसको बोलते हैं, किला बना देते थे पूरा। द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस इज ओपन ऑन द साइड लेन नॉट इन द मेन रोड। घर का जो मेन रोड होता था ना वो कभी भी मेन रास्ते पे नहीं खुलता था, वो साइड वाली लेन पे ही खुलता था। आई थिंक वो लोग ट्रैफिक को लेके बहुत सीरियस थे। रिमेन्स ऑफ द स्टोर हाउस किचन एंड बाथरूम वेयर फाउंड इन एवरी हाउस। सो हर घर में स्टोर हाउस मिला है, इवन बाथरूम्स एंड किचन भी होते ही थे। देयर वॉज अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द डोर एंड विंडोज टू कीप द हाउस एयरी एंड वेंटिलेटेड। तो ये लोग हेल्थ को लेकर भी बहुत कॉन्शियस थे। ये लोग चाहते थे कि हर रूम में सनलाइट आए, प्रॉपर एयर आए, तो इसलिए ये बड़ी बड़ी विंडोज और डोर्स भी रखा करते थे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर रोड्स, कि उनकी रोड्स कैसी हुआ करते थे। रोड्स आर द मेन फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। सो रोड्स उनकी सबसे यूनिक हुआ करती थी। द रोड्स वेयर 9.75 मीटर वाइड। सो ये उसकी डायमेंशन दे रखा है कितनी चौड़ी हुआ करती थी। द स्मॉल लिंक ऑफ द रोड क्रॉस द मेजर वन से द राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स लाइक दिस। ओके सो आप लोगों ने मैक्स में पढ़ा होगा 90 डिग्री। तो रोड्स बिल्कुल स्ट्रेट हुआ करती थी और 90 डिग्री पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती थी। द रोड्स वेयर वाइड इनफ फॉर अ नंबर ऑफ व्हीकल्स टू पास एट अ टाइम। ओके सो वहाँ पे कोई ट्रैफिक जाम के इश्यूज होते नहीं थे। पिट ऑन द रोड साइड सजेस्ट दैट देयर माइट हैव बीन लैम्प पोस्ट। रोड्स ऑफ द टाउन वेयर स्ट्रेट मेन रोड एंड विदाउट एनी टर्न्स। तो वहाँ की जो रोड्स होते थे उसके साइड में कुछ पिट लगे हुए थे जिससे मतलब हमको लगता है कि रात को लाइटिंग की व्यवस्था भी होती होगी। एंड आई डोंट नो बट मैंने एक वीडियो में देखा था कि उनकी रोड इस तरह से डिज़ाइन की गई थी कि जो हवा चलती थी ना उससे ऑटोमेटिकली रोड की सफाई हो जाया करती थी। तो आई थिंक ये कुछ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। गुड आगे बढ़ते हैं। दिस इज द कंसिडर टू बी द स्पेशलिटी ऑफ द एशियन टाइम। देयर वेर टू मेन रोड्स, वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अदर वॉज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बोथ क्रॉस्ड ईच अदर एट द राइट एंगल। सो ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती थी नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। उन लोगों ने रोड्स बनाई थी और ये रोड्स जो मतलब नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट और ये बीच में आपस में एक दूसरे से राइट एंगल में स्ट्राइक किया करते थे। ओके नाउ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम इज समथिंग लाइक आपका आप पानी की मैनेजमेंट कैसे करते हो। सी आपके घर में नॉर्मल पानी आता है जो साफ होना चाहिए, आपके घर से जो खराब पानी जाता है तो उसका ही प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। एंड फ्रॉम ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू मोहनजोदारो इज द बेस्ट आई वुड से। ड्रेनेज सिस्टम इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। ओके सो ये उसकी यूनिक फीचर बन जाता है। एंड सच अ ड्रेनेज सिस्टम वॉज फाउंड नो वेयर एक्सेप्ट द आइलैंड ऑफ क्रेट एंड द मेडिटेरियन सी। सो मेडिटेरियन सी के आसपास के जो क्रेट एरिया है वहाँ पर इस टाइप का ड्रेनेज सिस्टम देखा गया है। माइट बी पॉसिबल कि यहाँ से कोई इंसान ट्रैवल करके वहाँ पे गया हो और वहाँ पे डिजाइंस कर दिया हो, उल्टा भी हो सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। दिस सिस्टम वॉज बिल्ट टू ड्रेन आउट द डर्टी वाटर आउट फ्रॉम द टाउन। सो उन लोगों ने ये सिस्टम बिल्ट की थी जिसमें ये लोग गंदे पानी को टाउन से बाहर निकालते हैं। ईच एंड एवरी हाउस इज हैज अ सी स्पीड। सी स्पीड मीन्स एक टाइप का गटर होता है जहाँ से मतलब पानी जाता है। दिस प्लान सिस्टमेटिक एंड एफिशेंट ड्रेनेज सिस्टम क्लियरली प्रूव्स दैट दे वेर वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन। फ्रेंड्स अगर ये लोग अपने यहाँ पर पानी को नहीं रुकने देते दैट मीन्स नो मॉस्किटो नो किसी को डेंगू होगा ही नहीं। ओके एंड मलेरिया वलेरिया तो फॉरगेट इट। सो इन लोग ये इट शोज कि ये लोग हेल्थ को लेके बहुत ही हाइजीन हुआ करते थे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पब्लिक बाथ। पब्लिक बाथ टॉक अबाउट द टू डेज टाइम। पब्लिक बाथ कहाँ होता है? वेल से फॉर एग्जांपल आप लोग
हरिद्वार जाते हो गंगा में नहाने, वहाँ पे पब्लिक बाथ होता है, एंड देयर माइट बी सम लेक्स, कुंड होते हैं वहाँ पे हम लोग नहाने जाते हैं स्पेशली मकर संक्रांति के टाइम पे, एंड इवन स्विमिंग पूल में पब्लिक बाथ हो सकता है, स्विमिंग पूल्स में लोग जाते हैं इंजॉय करते हैं नॉलेज। बट टॉकिंग अबाउट द मोहनजोदारो, वेल दे हैव ड्यूरिंग द एक्सकवेशन उनको एक पूल टाइप का या लेक टाइप का एक स्ट्रक्चर मिला, उसको हम लोग पूल ही कहेंगे, एंड वहाँ पर वो लोग रिलीजियस फेस्टिवल के टाइम पे उसको सेलिब्रेट किया करते थे। वहाँ पर पानी आने का, पानी का जाने का भी उन लोगों ने अच्छे से सिस्टम डेवलप किया था, एंड नॉट ओनली डेट दे आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ द वाटर, प्लस देयर वेयर सेपरेट चेंजिंग रूम फॉर द मेल्स एंड फीमेल्स ऑल्सो। ओके, ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन द ड्रेनेज सिस्टम, सॉरी पब्लिक बाथ, लेट मी रीड इट। A huge bath was excavated at the Mohenjo-daro. There was an arrangement to put fresh water in and dirty water out. And there might have been a facility for the hot water and a small room for the changing clothes. This public bath might have been used on the festivals and religious ceremonies, as I told you earlier. Now, point number 5. Public bath. थोड़ा सा इमेज एडजस्ट कर लेते हैं, डन। सो पब्लिक बात, द रूइंस ऑफ द टू ह्यूज बिल्डिंग हैव बीन फाउंड इन द मोहनजोदारो। सो दो बिल्डिंगें मिली बहुत ही खंडर वाली पोजीशन में, एंड दे माइट हैव बीन यूज्ड फॉर द टाउन हॉल और एज ए थिएटर और एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एंड गैनरी ग्रेनरी। सो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, अब या तो उसको लोग थिएटर के लिए यूज़ करते थे या मीटिंग्स के लिए कंडक्ट करते थे या फिर उसमें वो लोग खाना स्टोर करते थे, वट एवर दे माइट बी। द बेडरॉक ऑफ सच बिल्डिंग वेर ऑल्सो फाउंड आउट एंड दिस माइट हैव बीन यूज टू एकम्प्लीज द सोल्जर। सो माइट बी ये आर्मी के लिए भी शायद रख सकते हैं, सो एनी थिंग कैन हैपन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हरप्पा, इट इज़ ऑल्सो अनदर सिविलाइजेशन। सो इन 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल एंड द कर्नल मेके दयाराम सहनी डिस्कवर एंड वेरी एंशियंट रिमेंट ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन एट द मोंटेगोमेरी इन द पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हरप्पा। सो मोंटेगोमेरी जो है पंजाब में, राइट नाउ इट्स ऑल्सो इन पाकिस्तान, एंड द रिमेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर फाउंड एट द रापर ऑफ हिमालयंस। अब आपको सिर्फ जगहों के नाम दिए, दैट मीन्स यू हैव टू ओनली रिमेंबर इट। ओके, सो और कहाँ कहाँ पर मिला है इसके पार्ट्स, सो रापर इन द हिमालयन रीजन, आलमगीरीपुर एट मेरठ इन यूपी, कालीबगान इन राजस्थान, लोथल ऑफ धोलका इन गुजरात, देसलपुर शिखर पुर इन कच्छ, धोलावीरा रंगपुर नियर लिमड़ी इन सौराष्ट्र, एंड श्रीनाथगढ़ रोजड़ी इन नियर गोंडल, कुंतासी नियर मोरबी एंड सोमनाथ। सो ये सब जगहों पे मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन के रिमेन्स हमको मिले हैं। द रीजन ऑफ द सप्त सिंधु रीजन इज अ वेरी इज अ रीजन ऑफ इंडियन कल्चर। सप्त सिंधु नदी की बात की गई है, अब ये सप्त सिंधु क्या है, लेट मी टेल यू, इट माइट बी कॉम्बिनेशन ऑफ 7 रिवर्स, सो 5 रिवर्स तो पंजाब की समझ में आती हैं, एंड इट माइट बी गंगा एंड यमुना मे बी, ओके बट आई एम नॉट श्योर। सो आगे बढ़ते हैं, द कल्चर विच डेवलप हियर इज नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस कल्चर को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहेंगे। इट रिमेन्स वेयर फाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द हरप्पा एंड डेट इज वाई इट इज नोन एज द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो पहली बार इसके हमको रिमेन्स कहाँ मिले थे, हरप्पन सिविलाइजेशन में, एंड इसलिए हमने इसका नाम हरप्पन सिविलाइजेशन रखा। ओके, कॉपर एंड स्टोन वेपन्स वेयर मैनी अदर थिंग्स वेयर फाउंड फ्रॉम दिस रीजन। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स के एंड इवन कॉपर्स के मेटल्स और चीज़ें मिली, डेट मीन्स ये आई थिंक उस टाइम पर कॉपर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता होगा, डेट इज वाई इट इज नोन एज द कॉपर स्टोन एज। ओके, टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज वेरी सिस्टमेटिक, बहुत सही तरीके से काम होता था। द ग्रेनरीज एंड द फोर्ट्स वेर रिमार्केबल, पीपल ऑफ दैट एज वेर फाउंड ऑफ वेयरिंग ऑर्नामेंट्स एंड सच रिमेन्स हैव बीन फाउंड। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज द धोलावीरा, एंड फाइनली हम लोग लोथल की बात करेंगे, ठीक है। सो वंस अगेन यू कैन सी द रिमेन्स ऑफ द धोलावीरा, एंड आई थिंक ये बहुत ही जमीन में कुछ बहुत नीचे दब गया है, आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे बहुत सारा फ्लड आया होगा, एंड ये पूरा का पूरा कीचड़ के नीचे अब दब चुका है ड्यू टू द सेडिमेंटेशन एंड ऑल दैट। अ ह्यूज एंड सिस्टमेटिक एंशियंट टाउन कंटेम्पररी टू द हरप्पन सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द धोलावीरा विलेज एट द खादिर बेट इन द वास्ट डेजर्ट ऑफ द पच्चू तालुका विच इज 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम द भुज।
ओके सो ये गुजरात के भुज एरिया में, एंड यहाँ पर ये बछुआ तालुका के 140 किलोमीटर मीन्स मेन भुज से आपका पड़ता है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वे दिस हीप ऑफ रुइंस आफ्टर द ऑफिसर ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैड अंडरटेकन द रिसर्च हुआ कि 1919 AD स्पेशल टास्क ऑफ द एक्सकवेशन वॉज कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ द रविंद्र सिंह बिस्ट। सो हमारी गुजरात गवर्नमेंट सो गुजरात गवर्नमेंट ने इसको कब डिस्कवर किया, 1990 में, एंड तब अंडर द रविंद्र सिंह बिस्ट ये एक्सकवेशन वर्क कैरिड आउट हुआ। मैं मुझे एक बार कन्फ्यूजन हुआ था कि 1990 शायद इट माइट बी मिस्टेक इन द ईयर, बट मैंने जब गूगल पे सर्च किया सो इट वॉज 1999 1990 एग्जैक्टली। रिमेन्स ऑफ द धोलावीरा एंड पैलेस द मेन वॉल्स ऑफ द टाउन्स वेयर प्लेंट विद द पेंटेड विद द वाइट कलर। सो ऐसा माना जाता है कि जब ये ओरिजिनली जब ये रही होंगी तो इसको मतलब वाइट कलर से पेंट किया गया होगा। वो हम लोग वाइट कलर का पेंट क्यों यूज़ करते हैं, रीज़न गर्मी से बचने के लिए, और आई थिंक गुजरात जो है इट इज़ एग्जैक्टली ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर, तो वहाँ पे तो यूजुअली गर्मी ज़्यादा होती ही है, एंड कच्छ भुज साइड तो ज़्यादा ही होती होगी मे बी। सच फोर्टिफाइड वॉल एंड सर्कलिंग द टाउन सजेस्टिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड द सिक्योरिटी। सो ये लोग सिक्योरिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस थे। दिस वॉल मेड अप ऑफ क्ले स्टोन एंड ब्रिक्स, पोर्टेबल वाटर इज अवेलेबल हेयर एज वेल एज प्रॉपर सिस्टम ऑफ द वाटर प्योरिफिकेशन वॉज सेटअप विच इज नॉट अवेलेबल टू ऑल इवन इन द मॉडर्न एज। सी फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताया क्या है कि वो जो एरिया है वहाँ पे बरसात ना के बराबर होती है, एंड दिस पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द वाटर सेविंग, एंड इन लोगों ने वाटर को सेव भी किया था, एंड इवन उन्होंने एक ऐसा सिस्टम भी डेवलप किया था जिससे पानी को पीने लायक बनाया जा सके, जो आज की तारीख में भी नहीं होता है। ओके सो फ्रेंड्स, आज का लास्ट टॉपिक डेट इज द लोथल। सो लेट अस गो अहेड। लोथल इज सिचुएटेड इन द धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ओके सो अहमदाबाद के धोलका डिस्ट्रिक्ट में लोथल आता है। मेन सिटी से अगर आप ट्रैवल करके जाओ तो आई थिंक 2 आवर्स लगते हैं। ओके भगाओ एंड अच्छा धोलका इज अ प्लेस बिटवीन द टू रिवर्स, सो ये दो रिवर्स के बीच में भगाओ एंड साबरमती। इट इज 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बे ऑफ खम्बात। बे ऑफ खम्बात मीन्स इट्स अ पार्ट जो मतलब जहाँ पे आपकी साबरमती रिवर फाइनली समुंदर में जाके मर्ज हो जाती है, उसको बे क्यों कहा गया है क्योंकि 3 साइड से जमीन ने कवर करके रखा है सी बॉडी को। आगे फ्रॉम वेयर द 3 लेयर्स ऑफ द ह्यूमन हैबिटेंट वेयर फाउंड अ ह्यूज डॉक यार्ड वॉज कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट द शिप इन द टाइम ऑफ द हाई टाइड्स ऑफ द लोअर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द टाउन। सो बेसिकली इन लोगों ने पिक्चर्स में दिखाया हुआ है कि इन लोगों ने मेन रिवर से एक इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया था, इसको हम लोग एंड यहाँ पे शिप्स की रुकने की प्रॉपर व्यवस्था की गई थी, तो उसको हम लोग डॉक यार्ड कहेंगे। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि वो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेके बहुत कॉन्शियस होंगे, सामान का लोडिंग अनलोडिंग भी होता होगा, एंड आई थिंक इससे ये एविडेंस प्रूव हो जाता है कि लास्ट टाइम के लोग भी शिप से ट्रैवलिंग किया करते थे। ओके एंड दिस इज यूनिक फीचर ऑफ द लोथल, सच ए डॉक यार्ड स्टोरेज शॉप एंड द शो द प्रूफ ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। दिस सजेस्ट द लोथल माइट बी रिच इन द प्रोस्परस पोर्ट ऑफ इंडिया। दिस इज द मैटर ऑफ अ ग्रेट प्राइड नॉट ओनली फॉर गुजरात बट ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, फॉर दिस आई कंक्लूड माई लेक्चर फॉर टूडे। टुमोरो वी आर गोइंग इन माई नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द अदर एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर। फ्रेंड्स रिमेंबर, कीप साइलेंस एट योर माइंड। सी आई वुड से इंडिया की क्रिकेट टीम में बहुत सारे कैप्टन हुए, बट कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी इज द बेस्ट कैप्टन आई वुड से। क्यों? क्योंकि वो हमेशा शांत रहते हैं, एंड जो शांत मन होता है ना, शांत माइंड होता है, वो परफेक्ट डिसीजन लेता है। डिसीजन कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, बट ज़्यादातर उसके डिसीजन राइट ही होते हैं। सो कभी भी लाइफ में कोई सिचुएशन आए, विचलित नहीं होना है, ऑलवेज काम योर माइंड एंड फील इट, और नेचर के कॉन्टेक्ट में रहो जितना हो सके। सो फॉर दिस आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर। बाय एवरी वन।